नहीं बड़ी भाभी, बहुत हो गया, अब रहने भी दीजिए ना मेरी प्यारी, थोड़ा मेकअप और कर लो। तो इसलिए कि पहली बार जब लड़का तुम्हें देखे तो तुम्हें देखता ही रहे। एकदम सही, ये देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ियां लेके आई हूँ, इनमें से जो भी पसंद है चुन ले। नहीं बड़ी माँ, ये बहुत भड़कीला रंग है। नहीं ये देख तो, ये लाल रंग कितना अच्छा है, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा। और वैसे भी दुल्हन को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। इतना भड़कीला पहनेंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं। देखो ना बढ़िया बहू, समझाओ ना इसे, ये कितना अच्छा है। हाँ हाँ अंकिता पहन लो, वैसे भी ये रंग तुम पर बहुत अच्छा है। अरे हाँ लेकिन बढ़िया भाभी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं था, ये साधारण से रूप में तुम्हें ये बहुत जचेगा। और वैसे तुमने मेकअप भी कर लिया है, इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी और लोग देखते रह जाएंगे, और इस बार तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। हाँ अंकिता देखो ये बहुत अच्छा रंग है। हाँ। लेकिन बड़ी भाभी हमारा मेकअप तो देखिए, ये हमारी आंखें गाल होठ सब कुछ अलग लग रहा है, हम लग ही नहीं रहे हैं, और ऊपर से हम अगर ये साड़ी पहनेंगे तो हम बिल्कुल अलग लगेंगे। और ये सैंडल, ये तो हम बिल्कुल नहीं पहनने वाले, इसमें हम कितने लंबे लगेंगे। लड़का तो ताड़ के जैसा लंबा है और उसकी दुल्हनिया खजूर जैसी लंबी तो होनी चाहिए ना। इसे पहनकर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ, लेकिन कोशिश करो, प्यारी करो। बिल्कुल नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आज उसने हमें ये रूप में देख के पसंद कर भी लिया तो क्या शादी के बाद उसे पता नहीं चलेगा? उसके बाद अगर उसने हमें ना पसंद कर लिया तो हम भी चाहते हैं कि हम उसके सामने खूबसूरत लगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उफ, तुम जैसी हो ऐसी दुनिया नहीं है, जैसा तुम सोचती हो ना ऐसी दुनिया नहीं सोचती। अगर सब कुछ तुम्हारे तरीके से होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, और हर महीने चलो अब जल्दी से ये साड़ी और सैंडल पहन लो, ये पहन कर तुम बहुत अच्छी लगोगी। और वैसे भी गलत क्या है, तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियां सच्ची हैं, सबर की हैं, और हमें भी नहीं चाहिए कि हर महीने घर में परेड होता रहे। तुम्हें लड़की वाले पसंद कर ले, अब तुम जल्दी से अच्छे घर में चली जाओ। क्या है तुम बार बार मुझे कोने क्यों मारी जा रही हो? अंकिता बेटा तुम बिल्कुल सही, तुम्हें लड़के के सामने उसी रूप में आना चाहिए जैसे तुम हो। फिर वो तुम्हें पसंद करे या ना करे, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, एक नहीं एक गया तो हजार आएंगे, और तुम पर कोई भी रंग बचे तुम हो इतनी प्यारी लाखों में। अमोलिक ध्यान जी, अमोली आज से तुम्हारी सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेगी, तुम्हारी मदद करेगी, किसी बात की चिंता मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको साड़ी पहना देती हूँ, चलो आएंगे या नहीं?
न जाने कब खत्म होगा फिर सचने सवरने का सिलसिला। वैसे तुम कभी किसी के लिए सजग हो गया? हमें विश्वास है लड़के की माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने तुम्हें किसी त्योहार में देखा था, रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से है। जब सब कुछ उन्हीं की तरफ से है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? देखा, लड़का तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगा। अमोली, तुमसे क्या क्या पूछा, तुमने उसे क्या क्या कहा, हा? अब बताओ ना, टाइम वेस्ट मत करो। इसने मेरी हॉबीज के बारे में पूछा, मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, मेरे पसंदीदा रंग, गाने, सिंगर, सब के बारे में पूछा, यहाँ तक कि मुझे बाहर जाना पसंद है या नहीं उसके बारे में भी पूछा। ओहो, तो ये बात है? अरे वाह, चेहरा तो देखो। ये खिला खिला चेहरा देख के मैं सब समझ गई, उससे तुमसे प्यार हो गया ना। He loves you ना, He likes you। ठीक है, पापा आइए।